यह बहुत बड़ी उपलब्धि धन धर्मावलंबियों के लिए है। इससे हम लोग एक तरह से मील का पत्थर का निर्णय हुआ और हम लोग काफी दूर तक पहुंच गए हैं। झारखंड सरकार इसी तर्ज पर 2000 में 11 नवंबर को पारित किया था और वो भी एक मील का पत्थर था और बंगाल सरकार कर दी है। अब हम लोग उड़ीसा सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, उड़ीसा सरकार भी यहाँ वहाँ के आदिवासियों के सम्मान में, उनके संस्कृति के सम्मान में, उनके धार्मिक अवस्था के सम्मान में निर्णय लेवे ताकि यह मान राष्ट्रीय मांग के रूप में जो उभर के आया है उसको बलवती मिले, उसको एक सबल मिले, एक सशक्तिकरण मिले और केंद्र सरकार को देना ही पड़ेगा ऐसा न। दूसरी सबसे बड़ी निर्णय हम लोग लिया है कि 12 मार्च को हम लोग का सना धर्म रैली है, महारैली है मोराबादी मैदान में रांची में, जिसमें लाखों की संख्या में सना धर्मावलंबी का जमावड़ा होगा। उसकी तैयारी 26 फरवरी को सरना हरमो देशवाली सरना में बैठक होगी। उसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि और आदिवासी संस्कृति के प्रतिनिधि, जो हमारे सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, जो हमारे अनुसंगिक के साथ साथ और भी हैं, और पास प्रदेश जो से हम लोग से जुड़े हुए हैं, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और अन्य प्रदेश से, नेपाल से भी लोग प्रतिनिधि आएंगे 26 को। और हम लोग बृहद रूप से ये निर्णय लेंगे और कि 12 मार्च को हमारी रैली होगी, अद्वितीय होगी और यहीं से झारखंड से ही मोराबादी मैदान से केंद्र सरकार को हम लोग निवेदन करेंगे कि सरना धर्म को जल्दी लागू करो। यह एक बहुत बड़ा निर्णय हम लोग का हुआ है। हम आशा करेंगे कि दिन का हम लोग की मीटिंग में सफलता होगी और निवेदन भी करेंगे जितने भी संगठन हम लोग से जुड़े हुए हैं, राज्य से बाहर से, दूसरे प्रदेश से, इस आवाज़ को सुने और आज के मीटिंग की बात को समझें और तैयारी शुरू कर दें 12 मार्च की और 26 फरवरी को जरूर आने पतंजलि को हमारे ये हम लोग का निवेदन है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि सरहू इस साल 6 मार्च को दिया गया है, जो 24 अप्रैल को दिया गया है, जबकि सरहुल हम लोग का 24 मार्च को है। इसलिए मार्च में छुट्टी दिया जाना चाहिए, इस मांग को हम लोग बढ़ाए हैं और 2 दिन ही होना चाहिए। आदिवासियों का त्यौहार प्रमुख त्यौहार है, इससे बड़ा त्यौहार शायद धरती में नहीं होता है किसी भी समाज में।